हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से पर्सलिन के फ्लावर खिल चुके हैं। मॉर्निंग टाइम है, 7:30 AM हुआ है और कितनी तेज़ धूप आ गई है मेरे गार्डन में। तो चलिए आपको अपना गार्डन भी आज दिखा रही हूँ, कुछ सेटअप भी किया है। और इस समय मेरे गार्डन में बहुत अच्छे से रेन लिली बहुत अच्छे से ब्लूम कर रही है, आप ये देख सकते हैं। तो फुल अट्रैक्शन मेरा रेन लिली और पर्सलिन के फ्लावर पर है। चलिए पहले मैं इन्हीं से स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए कितनी प्यारी ब्लूमिंग आई है रेन लिली में। बहुत सारी ब्लूमिंग देती है जब बहुत सारे फ्लावर खिले होते हैं, और इस बार तो मैंने इनको पॉट में अच्छे से दे दिए हैं, तो काफ़ी अच्छी सी ब्लूमिंग कर रही है। ये देख सकते हैं आप, वाइट में बहुत अच्छे से ब्लूम आया है इस तरह। ये देखिए कितनी ढेर सारी ब्लूमिंग आई है वाइट में। पिंक भी खूब खिली हुई है, तो मुरझा गई है। और इधर येलो भी आप देख सकते हैं। तो मैंने कई बार आपको रेन लिली की ब्लूमिंग दिखाई है, तो हमेशा ये ब्लूम करती रहती है इस तरह से। तो सबके मैंने 15 पॉट तैयार किए हैं और सभी में फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है। और इधर आप देख सकते हैं पर्सलिन बहुत ही खूबसूरती से खिले हुए हैं, ये देखिए। तो बारिश के बाद वाकई खूब अच्छे से खिलने लगते हैं ये पर्सलिन के फ्लावर, तो बहुत चलते हैं। तो देखिए इसमें मैंने वाइट, रेड और येलो शेड आपको दिख रहे होंगे, पिंक भी लगा हुआ है इसी के अंदर। और येलो आप देखिए कितने ढेर सारे गिरे। तो ये सब मैंने छोटे छोटे से पॉट में लगाए हैं और रख दिए हैं इस तरह से, तो बहुत ही खूबसूरत सा लुक लग रहा है। और इधर आ जाता है प्लूमेरिया। तो ये वाइट प्लूमेरिया है और इसकी भी आप फ्लावरिंग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से इस पर फ्लावर बंच आए हुए हैं। तो तीन तो इसने फ्रंट में दिए हैं, कुछ इस तरह से फ्लावरिंग दिख रही है इसकी, और दो इसने बैक में फ्लावर दिए हुए हैं, यानी फ्लावर ट्विंग दे रखी है। तो दिखाती हूँ घुमा के मैं, तो ये देख सकते हैं पीछे भी दो बहुत अच्छे से फ्लावर बंच आए हुए हैं। तो खूब अच्छे से फ्लावरिंग चल रही है प्लूमेरिया की। काफ़ी लंबी हाइट ले ली है इसको मैंने, काफ़ी बड़ा पॉट दे दिया है, तो इससे काफ़ी अच्छी हाइट ले ली है। और इधर आ जाता है नाग चंपा, जिसकी मैंने पहले भी ब्लूमिंग शेयर करी है आपसे, और अभी भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग पे है। बहुत ही बर्ड दी हैं इसने, ढेर सारी बर्ड्स हैं और बहुत सारे फ्लावर्स हैं इसके अंदर। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा नाग चंपा के फ्लावर है। इधर आ जाता है रेड आलमांडा, इसकी भी आप फ्लावरिंग देख सकते हैं, बहुत ब्लूमिंग करता है ये। एक बार अगर आप इसे लगा लेंगे तो ढेर सारे फ्लावर आपको इसे मिलते रहेंगे। तो ये कितने प्यारे से फ्लावर है और कलियों से भी अभी तक भरा हुआ है। तो मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया है सामने, हिबिस्कस का। तो इसमें भी देखिए ब्लूमिंग चल रही है। नाग चंपा फिर से आ जाता है, तो इसकी भी आप देख सकते हैं सेकंड प्लांट है नाग चंपा का, और ढेर सारी ब्लूमिंग के साथ है। और इधर आ जाते हैं जेट्रोफा पिंक शेड के, तो इसकी भी आप देखिए ब्लूमिंग बहुत अच्छी सी होने लगी है। ये देखिए कितना बंच है, कितना प्यारा सा फ्लावर बंच है, ये देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे फ्लावर बंच आए हैं इसके अंदर। और इधर भी मेरा कहते हैं कि हिबिस्कस का प्लांट है जो मैंने इधर साइड में कर दिया है, इसमें भी आप देख रहे हैं एक फ्लावर खिला है, कलियाँ हैं, अभी फ्लावर खिले नहीं हैं, कलियाँ हैं बहुत सारी। और इधर टर्टल वाइट ट्रम्पेट की भी फ्लावरिंग आप देख सकते हैं, ये भी फ्लावरिंग पे है अच्छे से, और नए इसने बंच दे दिए हैं फ्लावर के। तो ये आप दिख रहा होगा आपको बिल्कुल काफ़ी ऊंचे पे है, पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। वो देखिए छोटे से नए फ्लावर बर्ड्स आए हैं और भी छोटे से आए हुए हैं, तो खूब फ्लावरिंग पे है इस समय। और इधर भी एक सूरजमुखी का प्लांट निकल आया है, तो इसने फिर से ब्लूमिंग स्टार्ट कर दी है, ये आप देख सकते हैं। तो ये अभी भी खिल जाते हैं, तो इसके बीज बन गए होंगे, इसी मिट्टी में पड़े होंगे और ये कैसे निकल आया, तो मैंने इसको बढ़ने दिया। और इधर मैंने बॉल्सम के पेड़ लगा दिए हैं, तो ये सीज़न है इस समय बॉल्सम के पेड़ लगाने का। बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावरिंग करती है बॉल्सम की, मैं हमेशा इनके सीड बना लेती हूँ। डा जोन कनेर के प्लांट का यानी ओलियंडर, तो इसमें भी ब्लूमिंग चल रही है, तो सीड भी बनने स्टार्ट हो गए हैं और अभी कलियां भी इसमें नई नई आ रही हैं। तो अभी टाइम लगता है इसमें फ्लावरिंग में, जब बीच बीच में आती हैं, और उससे पहले तो बहुत ही अच्छी सी ब्लूमिंग आई थी इसके अंदर। तो कभी कभी होता है प्लांट थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं फ्लावरिंग में, इस तरह से व्यू आ रहा है। और जब पिंक के फ्लावर खिले हैं, वाइट भी देखिए कितना ढेर सारा खिला हुआ है,
तो वाटरिंग मैंने कुछ समय पहले ही करी है, तो सारे फ्लावर मुरझाए हुए थे इस समय प्लांट। तो आप देख रहे होंगे टेरेस पूरा गीला पड़ा हुआ है, इस तरह से कुछ लुक मेरे गार्डन का। और सबसे प्यारी तो रेन लिली लग रही है पूरी, ढेर सारी ब्लूमिंग के साथ, और पर्सलिन, ये दोनों ही बहुत खूबसूरत सा लुक दे रहे हैं। कुछ पॉट खाली भी है, और क्योंकि अब गुलदौदी लगाने का सीज़न आ गया है तो मेरी कटिंग तैयार हो चुकी है। और इधर भी आप देख सकते हैं मैंने इधर भी कुछ पॉट लगाए हैं, इधर भी मैंने एक रेन लिली का पॉट रखा हुआ है, तो आप इसकी भी ब्लूमिंग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग कर रहा है। और इधर भी एक पर्सलिन का पॉट है, तो चलिए इनको भी मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। तो खूबसूरत सी फ्लावरिंग है पर्सलिन में, तो मैंने कुछ पॉट हटा भी दिए हैं क्योंकि काफ़ी ये फैल जाते हैं, तो छोटे में शिफ्ट कर दिया। ऐसे में कटिंग निकालती जाती हूँ और लगाती जाती हूँ, तो कुछ कटिंग मैंने निकाल के भी रखी हुई है। और इधर भी आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सी खिली हुई है रेल ही, कितने ढेर सारे फ्लावर हैं इसके अंदर। तो खूब रेन लिली ब्लूम करती है, मैंने इसके केयर के ऊपर वीडियो बनाया है किस तरह से रिपोर्टिंग करें, किस तरह से आप इसकी फ्लावर की केयर करें, तो ढेर सारी ब्लूमिंग आपको हमेशा इसकी मिलती रहेगी। और इधर आ जाता है मैंडीविला, इसकी भी आप फ्लावरिंग देख सकते हैं, काफ़ी ऊंची हो गई है ये, मैंने इस तरह से इसको एक शेप दे दी है, टेम्परेरी शेप दे दी है। तो इसमें भी देखिए फ्लावर आए हुए हैं अच्छे से। और ये आ जाता है पीछे एक्जोरा, कितनी ढेर सारी ब्लूमिंग पे है, क्योंकि ये बिल्कुल डी शेप है, और फ्लावर में आप देख सकते हो कितने ढेर सारे फ्लावर भरे पड़े हैं इसके अंदर, और रोज़ भी अच्छे खिलने लगे हैं। तो ये सारे फ्लावर ओवर हो चुके हैं, अभी आपको और भी प्लांट दिखाऊंगी रोज़ के। इधर ये आ जाता है इंग्लिश रोज़, तो इस तरीके एक नई और बड दे दी है बहुत ही खूबसूरत सी, तो बारिश में ये भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, गर्मी में तो इनकी बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। और ये इधर भी मेरा एक प्लूमेरिया का प्लांट है, आप ये देख सकते हैं, तो इसने भी बहुत अच्छे से फ्लावर बड आई हैं, तीन फ्लावर बड दी हुई हैं इसके अंदर, और अभी तक बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा है। तो ये देखिए पीछे के साइड से ब्लूमिंग, ये ऊपर फ्लावरिंग ट्विंग है, और ये इधर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्लावर आए हैं। और इधर भी आ जाता है मेरा येलो बेल का प्लांट, कितने ढेर सारी कलियाँ बंच आए हैं, तो ये भी बंच में फ्लावर करने वाला प्लांट होता है, बहुत ही प्यारे से फ्लावर होते हैं, तो हर इसके ऊपर हमने कलियाँ देखी हुई हैं, पूरे प्लांट में कलियाँ भरी हुई हैं। तो आज मैंने देखा सब में बहुत अच्छे से फ्लावर बड आ गई है। और इधर आता है जेट्रोफा, तो पिंक मैंने दिखाया है, और ये देखिए रेड फ्लावर वाला है, तो इसके भी आप फ्लावर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर है। तो बारिश के बाद वाकई पूरा गार्डन फूलों से भर जाता है। और ये आ जाती है चांदनी, तो ये सारे जो प्लांट आप देख रहे हैं सब कटिंग के थ्रू बने हुए हैं, मैंने कोई भी प्लांट परचेज नहीं किया है। और ये विनका लगे हुए हैं, तो बहुत ढेर सारे विनका के प्लांट थे, तो मैंने एक ही पॉट दे दिया है इनको। और ये आ जाती है चमेली की बेल, इसके भी बहुत ही प्यारे से फ्लावर होते हैं, बहुत ही खुशबूदार प्लांट है, फ्लावर तो ज़्यादा छोटे छोटे से होते हैं, ये देसी वाली है, और इसमें खुशबू बहुत आती है जब इसके फ्लावर खिलते हैं, तो रात में बहुत महकती है। तो ये इतनी बड़ी बेल होती चली जा रही है चमेली की, देख सकते हैं करेले की बेल को मैंने किस तरह से चढ़ा रखा है। तो फिलहाल मैंने अभी सब्जी में एक करेला ही लगा रखी है, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत आते हैं, और अभी इसको कहीं खा ना जाए, कितना काफ़ी बड़ा करेला हो गया है, तो मैं इसको तोड़ लूँगी आज। और इधर भी आप देख सकते हैं हिबिस्कस की ब्लूमिंग चल रही है, तो ये लाइट शेड वाला है, ये बहुत ब्लूमिंग कर रहा है इस समय, देखिए अभी भी ढेर सारे फ्लावर भरे पड़े हैं, सामने भी आपको दिख रहे हैं तीन खिले हुए हैं, पीछे भी देखिए खिले हुए हैं, चार एक पाँच, छः एक सात, और ऊपर आ गया आठ एक नौ, तो ये भी बहुत फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है, शेड भी बहुत ही प्यारा लगता है। और इधर मैंने दूसरा हिबिस्कस रखा है, तो इसमें देखिए आज एक ही फ्लावर खिला हुआ है, फ्लावर आ रहे हैं, ये चाइनीज़ मॉस रोज के हैं, और साथ में मैंने इसमें स्पाइडर प्लांट भी लगा दिया, तो ये ख़त्म हो जाएंगे तो स्पाइडर प्लांट चलेगा, तो दोनों बॉटल में मैंने लगा रखे हैं, बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं। मैंने कुछ रोज़ के प्लांट रखे हैं, तो इनमें भी बहुत अच्छे से फ्लावर आ गए हैं, मतलब बारिश के बाद रोज़ बहुत अच्छे से हेल्दी हो जाता है। तो ये देखिए व्हाइट शेड के फ्लावर वाला रोज़ है,
तो इसमें भी काफ़ी फ्लावरिंग दी है। तो धीरे धीरे करके इसका फ्लावर साइज भी बड़ा होता जाएगा। और ये देखिए खूबसूरत सा फ्लावर है वाइट शेड का, वाइट और लाइट पिंक का कॉम्बिनेशन है इसमें। और इधर आते हैं देसी रोज़, तो ये भी आज बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये देखिए गर्मी में काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है रोज़ की, तो ये भी खूब ब्लूमिंग पे है। जब से इसने ब्लूमिंग स्टार्ट की है तब से ये कंटिन्यूसली ब्लूमिंग कर रहा है ये, तो ये भी खूब ब्लूमिंग करने वाला प्लांट होता है। लेकिन हाइट आप देख सकते हैं काफ़ी हाइट इसने ले रखी है। और ये और इधर जो मैंने रखा है ये येलो शेड का है, तो इसकी ब्लूमिंग ख़त्म हो चुकी है। और ये फिर से आ जाता है वाइट शेड का, तो ये वाइट और रेड ही बहुत अच्छे से मेरे ना ब्लूमिंग कर रहे हैं इस समय। तो इसके भी आप देख सकते हैं इसने 4 स्टॉक दिए हुए हैं और ढेर सारी फ्लावरिंग के साथ है। तो पर्सलिन इधर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से खिले हुए हैं। और इधर मैंने बॉल्सम के कुछ पॉट रखे हुए हैं। तो मॉस वॉस अभी अच्छे से नहीं खिल रहे हैं क्योंकि अभी धूप नहीं आई है, बट थोड़ा सा जब 9 बजेगा तब ये पूरे से खिलने स्टार्ट हो जाएंगे। पर धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा खिलने लगे हैं पर अभी पूरे तौर से नहीं खिले हुए हैं। तो मैंने इधर भी खाली कर दिया है गैम्फेना का पॉट और इधर मैंने वॉल्सम के प्लांट लगा दिए हैं। तो थोड़ा सा अरेंज किया है क्योंकि करना पड़ता है गार्डन को थोड़ा थोड़ा सा अरेंज। तो इस तरह से कुछ लुक आ रहा है पूरे पॉट का, पूरे गार्डन का। तो एक लास्ट का व्यू पूरे गार्डन की फ्लावरिंग का। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।